जय श्री कृष्ण दोस्तों, सुदामा की मृत्यु कैसे हुई, क्या शिव ने किया था वध, आज हम आपको बताने जा रहे हैं शास्त्रों के एक अद्भुत सत्य के बारे में, जिसके पर शायद आप विश्वास ना करें, किंतु यह बात एकदम सत्य है, जिसका उल्लेख हम आज भी शास्त्रों में मिलता है कि कृष्ण के प्रिय मित्र सुदामा का वध भगवान शिव ने ही किया था। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि भगवान शिव ने सुदामा का वध क्यों और कैसे किया था। सुदामा का पुनर्जन्म रहस्य। सुदामा की मृत्यु के पश्चात जब सुदामा को स्वर्ग लोक में रहने का स्थान प्राप्त हुआ था, तब स्वर्ग लोक में सुदामा और विराजा दोनों निवास करते थे। सुदामा और विराजा से अद्भुत प्रेम करते थे, किंतु यह विराजा भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करती थी। जब श्री कृष्ण और विराजा अपने प्रेम में लीन थे, तो उस समय राधा जी वहाँ प्रकट हो गयी तथा उन्होंने विराजा को एक ऐसा देखकर पृथ्वी लोक पर निवास करने का श्राप दे दिया था। उसी प्रकार किसी कारणवश राधा ने सुदामा को भी श्राप देकर पृथ्वी लोक पर भेज दिया था। सुदामा और विराजा का पुनर्जन्म। जब सुदामा और विराजा को श्राप के कारण पृथ्वी पर आना पड़ा, तो सुदामा का जन्म एक शंखचूर्ण नामक राक्षस के रूप में हुआ तथा विराजा का जन्म तुलसी के रूप में हुआ था। इन दोनों का विवाह भी हो गया था, किंतु शंखचूर्ण को भगवान ब्रह्मा का वरदान प्राप्त था, अर्थात भगवान ब्रह्मा ने शंखचूर्ण को एक कवच दिया था और साथ ये भी कहा था कि जब तक तुलसी तुम पर विश्वास करेगी, तब तक तुम्हें कोई जीत नहीं पाएगा। इसी वजह से शंखचूर्ण कई युद्धों को जीता तथा तीनों लोक का स्वामी बन गया। शंखचूर्ण का अत्याचार और शंखचूर्ण के अत्याचार से तीनों लोगों के प्राणी परेशान हो चुके थे, यहाँ तक कि देवता लोग भी शंखचूर्ण से परेशान थे। तब भगवान शिव ने सभी देवताओं की विनम्र प्रार्थना पर शंखचूर्ण के अत्याचारों से मुक्ति दिलाने के लिए शंखचूर्ण का वध करने का वचन दिया। जब भगवान शिव ने शंखचूर्ण को विनम्रता पूर्वक समझाया, तो शंखचूर्ण भगवान शिव से युद्ध लड़ने के लिए तैयार हो गया। उसी प्रकार से शंखचूर्ण के इसी घमंड ने शंखचूर्ण के वध के लिए भगवान शिव को विवश होना पड़ा। इसी प्रकार से भगवान शिव ने कृष्ण के मित्र सुदामा अर्थात शंखचूर्ण का वध किया था, जिसकी जानकारी हमें पौराणिक ग्रंथों में आज भी देखने को मिलती है, जिसके बारे में शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। ऐसी जानकारी और ऐसे ग्रंथों के नॉलेज के लिए सब्सक्राइब करें फैक्टो क्लब को।